स्टूडेंट आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो समस्या नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि क्लास दसम के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल निकालते हैं। तो हल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि माना लड़कों की संख्या x मान लिया और लड़कियों की संख्या y मान लिया हम लोग, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद क्या है कि एक 10 विद्यार्थी है, इसमें से लड़का है x और लड़की है y हम लोग माने। तो x प्लस वाई बराबर 10, मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। अब हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग टेबल निकालेंगे इसका, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल निकालते हैं कि ये इसका हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 10th माइनस वाई हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि टेबल बनाएं। टेबल बनाने के बाद इसका वैल्यू हम लोग बैठाते जाएंगे, एक का वैल्यू बैठाएंगे दूसरा निकल जाएगा खुद ब खुद। तो चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। एक्स बराबर अगर हम लोग 5 रख दे सॉरी वाई बराबर अगर हम लोग 5 रख देंगे, 5 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू 5 निकल जाएगा। अगर वाई बराबर हम लोग 6 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरा एक टेबल ये इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग टेबल प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को निकालना है। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न में है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या की संख्या को लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़की की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो चलिए लड़की हम लोग क्या माने कि वाई मान लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 4। लड़की के बराबर में जब 4 होगा तब ये लड़की के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर मेरा ये 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे टेबल निकालना है। तो चलिए हम लोग टेबल निकालते हैं तुरंत। इसका x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। x और y वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो y का वैल्यू 5 निकल जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें तो y का वैल्यू 6 निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे उसके बाद हम लोगों को ग्राफ बनाना है यहाँ पे। चलिए हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है कि हम लोग पहले समीकरण इसमें चलते हैं और यहाँ पे हम लोग x बराबर 5 चलना है। x बराबर हम लोगों को 5 चलना है। तो चलिए हम लोग 5 चलते हैं, x पे 5 चले और y बराबर भी 5 चलना है। तो वो x और y पर 5-5 चलेंगे हम लोग। तो क्या होगा कि इस जगह पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, मेरा ये निर्देशांक हम लोग दे दिए, ठीक। फिर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 4 और 6 चलना है। पहले x पे 4 चलेंगे और फिर हम लोग 6 चलेंगे। तो चलिए हम लोग इस जगह पे मेरा आएगा 4 और 6, 4 और 6 निर्देशांक हम लोग दे दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे इस दोनों को हम लोग इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। चलिए हम लोग मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए कि इक्वेशन है मेरा x बराबर 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 मेरा दिया हुआ है, इसका टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 5 चलना है। तो x बराबर 1 और y बराबर 5 चलेंगे। तो कहाँ पे जा रहा है, इस जगह पे मेरा यहाँ पे पहुँच रहा है। x बराबर कितना है 1 और y बराबर 5, निर्देशांक हम लोग दे दिए, ठीक। फिर यहाँ पे है, इसमें से है कि 2 और 6 चलना है। तो चलिए हम लोग इसमें 2 चलेंगे और फिर इसमें हम लोग 6 चलेंगे। तो 2 और 6 मेरा किस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है 2 और 6,
टू सिक्स निर्देशांक दे दिए इस जगह पे आ रहा। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, हम लोग मिला दिए, इसके ऊपर इक्वेशन हम लोग लिख देंगे जो ये समीकरण है x बराबर एक्स प्लस फोर, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये दोनों समीकरण, ये दोनों ये रेखाएं एक प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां का जो निर्देशांक होगा x और y, ये मेरा लड़का और लड़कियों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है लड़का, सॉरी यहाँ पे इसका निर्देशांक 3 और 7 है। देखिए जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो देखिए आपका ये 3 पे मिल रहा है, मेरा 3 पे मिल रहा है, और फिर ये मेरा 7 पे मिल रहा है, तो 3 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या 3 एवं लड़कियों की संख्या 7 होगा, इस प्रकार से हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 था। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X मान लिए और एक कलम का मूल्य ₹Y मान लिए हम लोग, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलिए। प्रश्न के अनुसार में क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो 5X प्लस 7Y बराबर क्या हो जाएगा मेरा ₹50। इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम लोग x और y का मान चाहिए। तो x y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक को अलग करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग x को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7Y/5, ये मेरा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे x और y, जब हम लोग यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान खुद निकल जाएगा। चलिए y का मान हम लोग 5 रखते हैं, तो 7 बजे 35 5 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा 7 बजे 35, 35 में से 50 में से 35 घटाएंगे तो वहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा 15, और 15 को 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 रखते हैं, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 होगा, 5 रखते हैं तो 3 प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 10 रख दें, ठीक है, y बराबर 10 रख दें, 10 रखेंगे तो क्या होगा कि 70 हो जाएगा, 70 में से 50 यहाँ पे 20 घटेगा तो क्या होगा कि -20 बच जाएगा। -20 को जब हम लोग यहाँ पे 5 से काटेंगे तो -4 निकल जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मान रखिए, x और y का मान रखते हैं, y का मान रखिए, x का मान खुद निकल जाएगा, ये मेरा टेबल निकल गया। फिर प्रश्न के अनुसार यहाँ पे है, ठीक है, फिर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि कह रहा है कि अगर यहाँ पे है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो यहाँ पे 7X+5Y बराबर है 46, कितना है ₹46 मेरा, तो 46, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये मान निकालना है, तो हम लोग अब यहाँ पे x को अलग कर देंगे। चलिए x को अलग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 46-5Y/7 बराबर x, ये निकल जाएगा टेबल। अब हम लोग को बनाना है, चलिए टेबल तुरंत बनाते हैं, x और y, चलिए हम लोग एक का मान y का मान रखेंगे, x खुद निकल जाएगा, तो y बराबर हमने 5 रख दिया। अगर 5 रखेंगे तो 25 में से 46 घटाएंगे तो मेरा 21 बच जाता है, 21 को जब हम लोग 7 से भागा देंगे तो 3 आएगा, तो क्या है यहाँ पे 5 और 3। अब हम लोग y बराबर अगर यहाँ पे 12 रखते हैं तो 12 25 60, यहाँ पे फिर मेरा क्या है कि 14 बच जाता है, तो यहाँ पे 2 मेरा प्राप्त हो जाएगा, -2 और यहाँ पे 12, ठीक है। आप लोग क्या करना है कि आप लोग बगल में साइड में कहीं पे आप लोग ये मान रख सकते हैं, मान रख के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टेबल निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ निकालना है, ये मेरा दोनों का इक्वेशन का टेबल निकल गया, या फिर हम लोग मान निकल गया वाई और एक्स का, तो फिर अब हम लोग ग्राफ पे जाते हैं। चलिए ग्राफ पे चलते हैं, तो चलिए हम लोग ये ग्राफ बना के रखे हैं, आप एक ग्राफ कॉपी में बनाएंगे आपको, या फिर एग्जाम में आए तो ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ पेज ही मिलेगा आपको।
तो चलिए हम लोग जो बनाए हैं टेबल, इसमें से क्या करना है कि एक्स में 3 चलेंगे तो 3 चलेंगे, और वाई में 5 चलना है तो 3 5 चलिए। मेरा इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए मेरा इस पॉइंट पे आ रहा है 3 5। ठीक, फिर आप आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर दिया हुआ है मेरा -4 चलेंगे और 10 चलेंगे, तो इस साइड इधर हम लोग को चलना है -4 और 10 चलना है, -4 और 10 चलिए, तो आपका इस जगह पे आता है। चलिए हम लोग ये दोनों बिंदु को आप चाहे तो मिला सकते हैं, तो मिला देते हैं हम लोग, मिला दिए हम लोग। ठीक है, इसका निर्देशांक भी आप लिख सकते हैं कि -4 और यहाँ पे 10, यहाँ पे इसका निर्देशांक मेरा क्या था 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 लिख सकते हैं इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 हम लोग जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे देखिए 3 और 5, इसी बिंदु पे मेरा 3 और 5 हो गया, फिर क्या है -2 और 12, -2 तो -2 इधर हो गया और मेरा 12 ऊपर है, तो चलिए हम लोग -2 और 12 चलेंगे, -2 और 12 इस जगह पे मेरा हो रहा है, यहाँ पे इसका निर्देशांक लिख सकते हैं -2 और 12 निर्देशांक लिख दिए। अब क्या करना है कि इस दोनों बिंदु को हम लोगों को मिला देना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, हम लोगों ने मिला दिया, इसके ऊपर इक्वेशन नाम हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन मेरा क्या था, इक्वेशन है 7x + 5y = 46 एंड इस इक्वेशन इसका इक्वेशन है 5x + 7y = 50, ये दोनों लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे, वो है उसका निर्देशांक 3 और 5 है, तो चलिए x बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 3 और y बराबर 5 है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक कलम का मूल्य 3 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और पाँच रुपया है ना, ये 5 और 1 3 निकल गया 5 और 3। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।